Home Minister Sushil Kumar Shinde has sparked a huge political row, saying that there are reports that RSS and BJP camps are promoting Hindu terror. Justice भी होता है, वो भी देखा जा रहे हैं. Infiltration के बारे में बात कर रहे हैं. लेकिन अभी बीच में ही हमारे पास ये रिपोर्ट आ गई है इन्वेस्टिगेशन में. ये भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनकी जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं. इस पर भी हमारी बड़ी कड़ी नजर है. समझौता एक्सप्रेस, मक्का मस्जिद बात, मालेगांव का स्पोर्ट, इसमें अभी सब दिख पड़ रहा है, एक एक दिख पड़ रहा है कि वहां जाके बॉम्ब प्लांट करना, और ताकि ये माइनॉरिटी के लोगों ने किया है इस प्रकार का बताना, इसके लिए भी हमें बहुत सतर्क रहना. हमारे देश के सिक्योरिटी के लिए ये हमें बहुत सतर्क रहना होगा. और ये जो प्रचार जिस तरह से होता है, ये प्रचार के भी बारे में हमने बहुत सोच विचार पे काम करना होगा कि झगड़ ना होगा उससे. Huge political war breaking out with the Bharatiya Janata Party now hitting back at Sushil Kumar Shinde for his comments. और अभी जो destructive mindset और destructive politics की बात मैंने की, उसका एक आज जीता जागता उदाहरण देश के गृहमंत्री के बयान से सामने आया. इससे एक दो दिन पहले तो इनके कुछ छोटे मोटे लीडर्स ने बयान इस तरह के दिए थे, लेकिन आज एक देश के गृहमंत्री ने उस चिंतन शिविर के मंच से जो बयान दिया वो निश्चित तौर से बहुत आपत्तिजनक है. न केवल आपत्तिजनक है, जनक है, बल्कि खतरनाक भी है. एक गृहमंत्री देश के शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने जैसा बयान दे, अपने राजनीतिक कारणों से, इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात हो नहीं सकती. निश्चित तौर से इसकी माफी मांगना चाहिए श्रीमती सोनिया गांधी जी को, इसको माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी जी को और गृहमंत्री जी को, अन्यथा इसके गंभीर परिणाम होंगे. ये एक्सेप्टेड नहीं है. इस तरह की बात एक गृहमंत्री के माध्यम से कहलाई जाए जिसका कहीं कोई सिर पैर नहीं हो, यह कह करके आपने वास्तविक आतंकवादियों को क्लीन चिट देने की कोशिश की है. पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को आपने ऑक्सीजन देने की कोशिश की है. But just moments after his comment, he clarified, saying he was talking about saffron terrorism. जो ये सब इतने बार पेपर में आ गया है, ये कोई नई चीज नहीं है जो मैं आज बताया हूँ. ये saffron terrorism की बात मैंने की है, वही की है, इससे दूसरे कुछ नहीं है. और जो ये बताना था वो बताया है. ये सब पेपर में आते ही रहा है, नई कुछ चीज हमने नहीं बताई है. ये सब पेपर में आ गया, हर रोज आ गया है. सैफरन टेररिज्म बोल दिया है. सैफरन टेररिज्म की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं सैफरन टेररिज्म बताया. नहीं, वो मैंने जो पेपर में आ गया वो बताया कि बीजेपी को कभी नहीं जोड़ा गया टेररिज्म से. नहीं नहीं, सैफरन टेररिज्म का है वो. चलिए, बीजेपी से जोड़ना गलत है. चलिए, जो मैंने बोला वो गलत.